इस्लामिक व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो बाहर हम आए हुए हैं, तो अल्लाह मेरे सबकी ख्वाहिशात पूरी करे। ये महीना बहुत ही अलमोल महीना होता है, इसमें कहते हैं जो दुआ करो कबूल होती है। मेरी दुआ है अल्लाह मियाँ आप सबकी दुआएँ कबूल करे, आप लोगों को खुश आबाद रखे। तो मैंने ना हलीम बनाना था, उसके लिए मैं सामान लेके आई हूँ। मैं कहती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, आज मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ हलीम के लिए, ठीक है? तो कल मैं आपको फिर इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, जैसे मेरे बाबा जान ने बनाया करते थे वैसे हलीम बनाऊँगी। पर वो कुछ ज़्यादा मकदार में बनाते थे, वो तो माशाल्लाह हम लोग ना घर में काफ़ी सारा हलीम बनाते थे, ठीक है? मैं दो देखो जितना हलीम हम लोग घर में बनाते थे 10 मुहर्रम में, और फिर हमारे घर नान आते थे तो हम लोग बांटते थे, बड़ा मज़ा आता था। वो दिन दोबारा नहीं आएंगे जो पहले वाला दिन है। कोशिश तो करूँगी कि अपने बाबा जान जैसे हलीम बनाऊँ, कई बार मैं बना चुकी हूँ, तो मैं कह चलें इस दफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे हलीम बनाती हूँ, होममेड हलीम कैसे बनता है। वही हलीम के लिए मैं सामान लेके आई हूँ। ये है एक से मैंने एक लिया हलीम मसाला, ठीक है? नेस्ले का ये छोटा पैकेट लिया बस इस थोड़ा फ्लेवर देने के लिए, ठीक है? ये वैसे मैंने घर के लिए लेके आई थी चाट मसाला, ये नहीं हमने डालना, लेकिन इसको मैं साइड में रखती हूँ। ये है जी गर्म मसाला लेके आए हैं, ये मैं कल ग्रहण करूँगी, तो ये हलीम के लिए लेके आए हैं, ठीक है? और ये है खुश्क धनिया, ये भी हलीम के लिए लेके आए, ये भी हलीम के अंदर जाएगा। तो ये है जी ये मसर की दाल है, ठीक है? ये हाफ के जी है, थोड़ी सी मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, वो भी ऐड करेंगे। ये है चने की दाल, ठीक है? इसके मैंने तकरीबन 3 पैकेट लिए हैं, 1.5 kg मैंने लिए चने की दाल के पैकेट, ठीक है? बारी बारी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए चने का, चने की दाल, ये है चने की दाल, ठीक है? ये है जी मूंगी की दाल, ये मैंने लिया है जी 1 kg, ठीक है? ये देखिए इसके 2 पैकेट आ गए, ये देखिए, ठीक है? ये है मूंगी की दाल, ठीक है? ठीक है, 1 पैकेट और है, ये देखिए, ठीक है? अब मैंने लिया है माश की दाल, ये भी 1 kg है, ठीक है? ये देखिए आपके सामने 1 पैकेट और है, ये देखिए, और एक ऑयल का पैकेट लिया जी हमने, ये देखिए। ये सारा सामान मैंने निकाल लिया, ये हम लोग कल यूज़ करेंगे आपके सामने। पर ना मैंने क्या करना जी, मेरे अबू भी ये करते थे, एक दिन पहले ना दालों को रात को भिगो के रख देना, ठीक है? हम सुबह जाना टाइम हो जाते थे, जानों के टाइम नमाज पढ़ते तो शुरू कर देते थे, और वो हलीम शुरू अजाना के टाइम शुरू करते थे, और यकीन करें 4 बजे जाके बनता था वो हलीम, सुबह का शुरू हुआ था, ठीक है? सुबह हम लोग 5 बजे शुरू हो जाते थे, और शाम के 4 बजे जाके हमारा हलीम तैयार होता था। इतनी मेहनत तब होती थी, अब तो हमसे मेहनत इतनी होती नहीं, तो अल्लाह ताला भी तो उसका अजर भी तो उतना देते ना, जितना आप लोग अल्लाह की राह में खर्च करोगे ना, मेरा यकीन है अल्लाह आपको 10 गुना देगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा यकीन है, ये हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप जितना मेरी राह पे खर्च करोगे तो आपको उससे 10 गुना आपको नवाजूंगा, ठीक है? बल्कि 70 गुना नवाजूंगा, ठीक है? ये हम आप लोग भी मुसलमान हो इस बात पे यकीन करें। ये देखें ये मैं लेके अल्लाह कल खैर का टाइम आए तो कल इंशाल्लाह ताला आपके सामने ये चीज़ें मैं आपके सामने बनाऊंगी, हलीम बनाऊंगी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। कल ही हमारा चिकन आएगा बाज़ार से, अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ यही लेके आई हूँ, अभी मसाले कुछ मेरे घर में पड़े हुए थे, तो कुछ सुबह आएंगे तो वो भी फिर जब हलीम बनाएंगे फिर आपको बताऊँगी कितनी मकदार मसालों की ऐड करूँगी, ठीक है? ये मैं अभी क्या करने लगी, अभी ये चने की दाल और माश की दाल को भिगोने लगी हूँ, साथ ही मूंगी की दाल भी भिगो दूँगी। सिर्फ सिर्फ जो ये वाली ना मसा की दाल, ये नहीं हमने भिगोनी, ये उसी टाइम हम लोग उठ के 15-20 मिनट पहले भिगोएंगे अच्छी तरह धो के, तो इसका कोई मसला नहीं होता, ये आराम से गल जाती है। बस ये वाली दालें होती हैं, इसको
आपको पहले 2-3 घंटे पहले भिगोना पड़ता है। मेरे पास वह टाइम नहीं होगा क्योंकि कल मैंने बाँधना भी नहीं, तो मैं आज रात को भिगो के रख दूँगी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रहना, और ये लाजमी हमें दुआ देना, दुआ में हमें याद रहना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हलीम की वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।